ऑयल लेंगे आप? ऑयल लेने के बाद आप अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटन। कर देंगे ये जस्ट हमने प्याज को ब्लांच करके, ब्लांच करने के बाद हमने एक पेस्ट बनाया हुआ इसका। पाँच मिनट तक इसमें गार्लिक और इस ऑनियन में आपने इसे सौते करना है मटन को अच्छी तरह, ताकि जो इसकी मटन की हीक होती है वो निकल जाए, वो आपके ग्रेवी को थोड़ा सा वो मसाला टाइप बना देता है इसमें। अब इस प्रोसेस के बाद आपने और नमक के बाद आप लेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद आप लेंगे फ्लैक्स, रमज़ान है इसलिए थोड़ा सा आपने लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि बिरयानी मसाला भी आप इसमें जब ऐड करते हैं ना तो ये मसाला आपने ऐड कर दिया इसमें, और कंटिन्यूसली आपने इसको साथ साथ पकाना है जब तक इसकी थिक सी ग्रेवी नहीं बनती, तो आपने इसको हिलाते रहना है साथ साथ। थोड़े से खड़े मसाले डाल दें, केमन सीड डाल दें, और इसके बाद आप ग्रीन चिलीज इसमें काट के डाल दें। और इसकी अच्छी तरह साथ साथ इसकी बुनाई करते जाएं, और जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही टेस्ट इसमें बेहतरीन आपको आएगा इसका खाने का। जब तक इसकी साथ साथ बुनाई करते जाएंगे, हमने यहाँ पे पानी लिया चावलों को बॉयल करने के लिए। पानी में आपने 2 टीस्पून ऑयल ऐड करना है, ताकि आपके जो चावल है ना वो आपस में जुड़े ना। 2 टीस्पून डालेंगे ऑयल, उसके बाद ऐड करेंगे थोड़े से खड़े स्पाइसेस, जिसमें सिनेमन स्टिक है, क्लोव्स है और कार्डमम है, ये आप ऐड कर देंगे। आपने टेस्ट के लिए थोड़ा सा धनिया डाल देना है, बॉइलिंग के दौरान आपने डालना है। और उसके बाद आपने सॉल्ट ऐड करना है, ये 1 केजी के लिए आपने लिया था, तकरीबन 2 लीटर पानी है। आप इसमें चावल डाल देंगे, चावल हमने 25 मिनट के लिए सोक कर लिया पहले ही, चावल हम साथ साथ इसको बॉईल करेंगे और ग्रेवी भी साथ साथ बन रही है इसकी। आपने 10 मिनट तक चावल बॉईल करने हैं और ग्रेवी भी साथ साथ हमारी परफेक्ट सी ग्रेवी बन रही है। यहाँ पे हम मटन में ऐड कर देंगे पानी, और इसे 1 घंटे के लिए हम दम पे रख देंगे स्टीम में। चावल आपके पहले बॉयल हो जाए कोई मसला नहीं है, आप इसको निकाल के स्टेन करके रख लें, और बाद में इसके आप लेयर्स लगा के वो मैं आपको दिखाऊंगा। चावल हमारे ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पे आपने एक ट्रिकी काम करना है, यहाँ पे आपने इसमें लेमन के स्लाइस ऐड करने हैं एंड पे, जब निकालने से पहले स्लाइस निकालने से, लेमन डालने से ये फायदा होगा कि आपके चावल टूटेंगे नहीं, और एक खुशबू जो लेमन की फ्लेवर होती है वो इसके अंदर इनहेंस हो जाती है चावलों के अंदर। आपने ज़्यादा पकाना भी नहीं है इसमें, एक कड़वाट से आ जाती है इसमें। आपके 70% बॉयल हो चुके हैं चावल, हम इसमें अब स्टेन कर देंगे चावल।
बिरयानी के लिए जो हमने मटन रखा हुआ था, एक घंटे के बाद उसको चेक करेंगे। वाह, मटन ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा, ग्रेवी भी। अब इसमें ऐड कर देंगे कोरिएंडर, ज्यादा फाइन चॉप नहीं करना आपने। इसमें ऐड कर देंगे कोरिएंडर और चिली, ग्रीन चिली आपने बड़े बड़े पीसेस काटने। यहाँ पर ऐड करते हैं इसमें, और आपकी एक मज़ेदार सी ग्रेवी डन हो चुकी है। अच्छा, जो चावल हमने बॉयल किए थे वो हम लेड्स लगा देंगे इसमें। आप इसमें लेड लगा के इसमें कलर लगा देंगे, सैफ्रॉन कलर है, और ब्राउन अनियन डाल देंगे। करेंडर और मिंट, इसके बाद आपने जो ग्रेवी बनाया है वो ऐड कर देंगे इसमें। ये आपने बना के मुझे लाजमी बताना है कि कैसा लगा आपको ये डिश। ये आपने एक लेयर लगाने के बाद चावल इसके ऊपर डालें, दो लेयर्स लगा दें इसके चावलों के। इसके बाद आपने सेम प्रोसेस जो पहले आपने कलर ब्राउन ऑनियन मिंट कोरिएंडर ये आपने ऐड करने के बाद इसके ऊपर डालना है आपने मसाला। आपने बेहतरीन से इसको मसाला लगाने के बाद इसमें लेमन थोड़े से और ऐड करने, एक आपने बॉइलिंग टाइम पे ऐड किया था और अभी। लेमन डालने के बाद आपने चावलों को शाइनिंग देने के लिए ऑयल ऐड कर देना है, 4 टीस्पून। इसके बाद आपने इसको दम पे रख लें 20-25 मिनट्स के लिए। बिरयानी चेक करते हैं 25 मिनट के बाद। वाओ, बिरयानी हमारी डन हो चुकी है। लुक एट दैट, ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करेंगे। ज़बरदस्त सी हमारी मसाला बिरयानी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप ब्राउन अनियन इस पर ऐड कर लें। और पिंच करेंडर, एंजॉय।